गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सिल्क वर्म के बारे में। तो सिल्क वर्म के बारे में मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी जो मेन है सेरीकल्चर के बारे में। एक एक करके हमने बात की थी। सबसे पहले बात की थी मोरी कल्चर की। मोरी कल्चर क्या होता है? सहतूत की जो खेती होती है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि मलबरी प्लांट्स को लगाना क्या कहलाता है? मोरी कल्चर, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने बात की थी इंसेक्ट रेयरिंग एंड कोकून प्रोडक्शन, ये हमारा चल रहा था। तो देखिए, इंसेक्ट रेयरिंग एंड कोकून प्रोडक्शन और थ्रेडिंग, इनके बारे में बात करेंगे दोनों की आज। तो इसके बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी इंसेक्ट रेयरिंग एंड कोकून प्रोडक्शन के बारे में, कि कैसे इंसेक्ट की रेयरिंग करेंगे और कैसे उसका प्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें हमने कुछ जनरल चीज़ें पढ़ी थी, जैसे सबसे पहले तो सिल्क वर्म रेस। यहाँ रेस से मतलब क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो होता है यूनिवोल्टाइन, एक होता है बाईवोल्टाइन और एक होता है मल्टीवोल्टाइन। यानी कि अगर एक साल के अंदर एक ही स्पीशीज कंप्लीट होती है तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिवोल्टाइन। दो जनरेशन कंप्लीट हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? बाईवोल्टाइन। और अगर दो से ज़्यादा हो रही है, तीन या उससे ज़्यादा हो रही है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? मल्टीवोल्टाइन, ठीक है। ये इसकी जनरेशन के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात तो ये होगी सिलेक्शन ऑफ सिल्कवर्म रेस। उसके बाद था सीड प्रोडक्शन। तो बीज का मैंने आपको बताया था कि वो स्थान जहाँ पे इनकी रख के रेयरिंग की जाती है, जहाँ से हम सीड प्राप्त कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्रेनेज, है ना। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो सीड हम प्राप्त करते हैं वो कहाँ से लेने चाहिए? एक अच्छे ग्रेनेज से, या जो वेरीफाइड जो इंडियन गवर्नमेंट की या फिर वेरीफाइड जो संस्था है जहाँ पे इसका जो है वाइड स्तर पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है, वहाँ से क्या है डिजीज़ फ्री सीड जो है हमें लेना चाहिए। सीड का मतलब क्या है यहाँ पे मैंने आपको बताया? एग। सीड किसको बोलते हैं? एग्स को, ठीक है। और इसकी जो जनरेशन्स होती है उनको क्या बोलेंगे? क्रॉप। यानी कि बाईवोल्टाइन का मतलब दो क्रॉप होगी, मल्टी का बहुत सारी क्रॉप। ऐसे ही फिर देखिए ग्रेनेज, वो स्थान जहाँ पे रख के इनको पाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनेज। इसके लिए हमने बात की थी कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, इतनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, प्लस वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर, उन सब के बारे में। अब देखिए इसी में नेक्स्ट है वर्म कल्चर, यानी कि जो सिल्क वर्म है उसका कल्चर कैसे करेंगे हम, उसको कैसे तैयार करेंगे, उसको कैसे पालेंगे, उसके बारे में बात है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो ग्रेनेज की हमने अभी बात की थी, वहाँ पे क्या करते हैं, जब इसकी एडल्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसको पाला जाता है, तो इसकी जो एडल्ट इमर्ज होके आते हैं, इमर्ज होने का मतलब क्या है? जब इसकी प्रौढ़ कीट निकल के आते हैं, ठीक है, जो प्यूपा है, प्यूपा बनने के बाद उसको काट के जब इसके प्रौढ़ कीट बाहर आते हैं, तो उसकी जो न्यू हैच्ड जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, जो वर्जिन फीमेल्स होती हैं, उनको हम क्या करते हैं? किसी अलग जगह पे रख लेते हैं और फिर उसके साथ क्या करते हैं हम, एक फिक्स जो है नंबर के अंदर कुछ मेल्स को उसके साथ में रखते हैं, फिर लगभग 3 घंटे के लिए उनको छोड़ देते हैं, ठीक है, 3 घंटे के लिए उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उनको मेल्स को अलग कर देते हैं। अब जो फीमेल्स बच गई, ठीक है, फीमेल्स जो बच गई उनको क्या करते हैं, जो रेयरिंग ट्रे होती है उसके अंदर, सबसे पहले क्या है, अब जैसे इसमें फीमेल्स बच गई ओनली, है ना, अब वो क्या करेगी, 12 घंटे बाद क्या करती है, वो अंडे देने स्टार्ट कर देती है, यानी कि एगलिंग स्टार्ट कर देती है, और लगभग 600 एग्स जो है वो दिए जाते हैं। अब ये एग्स जो होते हैं इनको यहाँ से अलग करके हम क्या करते हैं, जो रेयरिंग ट्रे होती है उस पर क्या करते हैं, नीचे की तरफ पेपर बिछा के कोई, और उसके ऊपर इन एग्स को रख देते हैं, ठीक है। पेपर क्यों बिछाया जाता है? ताकि जो है वो नमी वगैरह इसकी सोख ले, ठीक है। अब इन एग्स को यहाँ पर रख के रेयर करते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले अभी एक एक करके जो स्टेप काम में आने वाले हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए ब्रशिंग। तो ब्रशिंग किसको कहते हैं, कि जो एग कार्ड्स, यानी कि वो कार्ड्स जिनके ऊपर एग्स दिए गए हैं
उन पे उनसे अलग करना है एग्स को, क्या कहलाता है, ब्रशिंग। ब्रशिंग का मतलब देखिए सीधी सी है, ब्रश का मतलब क्या हो गया, यानी किसी चीज़ को साफ करना, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड टर्म है सेपरेशन ऑफ स्मॉल एंड न्यू लार्वा, यानी कि जो छोटे और नए जो लार्वा है जो अभी नए बने हैं एग्स से, है ना, क्योंकि एग्स को तो हमने इसमें रखा था। अब इससे जो नए लार्वा बनेंगे उनको एग कार्ड से अलग करना क्या कहलाता है, ब्रशिंग कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फिर इनको क्या करते हैं स्टोर, क्योंकि देखिए एग से इमर्ज होके फर्स्ट टाइम जो आएंगे उनको क्या बोलेंगे, फर्स्ट इंस्टार लार्वा। टोटल कितने होते हैं सिल्कवर्म के अंदर, 15 स्टार्स होते हैं ना, यानी कि चार मोल्टिंग्स होती है, 5 इंस्टार के लार्वा होते हैं। तो फर्स्ट इंस्टार के लार्वा जो यानी कि इमीडिएट हैच होने के बाद जो होते हैं उनको 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर इनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब क्या है, ये जो फर्स्ट इंस्टार के लार्वा होते हैं ये दिखने में कैसे होते हैं, ब्लैक आंट्स की तरह होते हैं, यानी कि जो काली चींटियां होती हैं उनके जो है जैसे दिखाई देते हैं, हेयरी होते हैं, बॉडी के ऊपर क्या होते हैं हेयर्स पाए जाते हैं, तो इनको पहचान इस प्रकार पहचान सकते हैं। इसके बाद देखिए फिर है इन्वायरमेंट, यानी कि इनको कैसे वातावरण की आवश्यकता होती है, इसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली थी जब हमने ग्रेनेज के बारे में पढ़ा था। तो देखिए इन्वायरमेंट में सीधी सी बात है कि ऑप्टिमम दो चीज़ें मेन हैं, एक तो टेम्परेचर और एक ह्यूमिडिटी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है इनके लिए वो 20-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और ह्यूमिडिटी रहती है 70-85%, ठीक है। ये डिपेंड करता है इसकी स्टेज पे, किस पे डिपेंड करता है, स्टेज पे। स्टेज का मतलब क्या है कि कौन सी अवस्था का लार्वा है, फर्स्ट स्टार का है, सेकंड स्टार का है, थर्ड स्टार का है, तो उस पे डिपेंड करता है। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे लार्वा की स्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता रहता है या डिक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी भी या तो कम होगी या बढ़ेगी, इसके बारे में भी अपने बात करेंगे। अब देखिए ये क्रिटिकल है, यानी कि अगर इससे टेम्परेचर कम हो गया तब भी क्या होगा कि इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तब भी क्या है इसका प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। सेम थिंग किसमें है, ह्यूमिडिटी में। अगर ह्यूमिडिटी इस क्राइटेरिया से बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत बढ़ जाए तब भी क्या होगा, इसमें इसका जो प्रोडक्शन है उसमें भारी गिरावट आएगी। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए कि इनको जहाँ पर रखते हैं, यानी कि जो ग्रेनेज बनाए जाते हैं वो स्थान जहाँ पर इनको पाला जाता है वो क्या होने चाहिए, वातानुकूलित होने चाहिए। वातानुकूलित का मतलब क्या हो गया, यानी कि खुले स्थान में होना चाहिए, डायरेक्ट वहाँ पे क्या है, एयर हवा प्लस लाइट जो है उसकी पासिंग होनी चाहिए, डायरेक्ट वहाँ पे क्या है हवा और लाइट का आवागमन होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है इनको हम वातावरण जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद देखिए फीडिंग ऑफ वर्म्स, यानी कि जो सिल्कवर्म हैं उनको फीड जब करवाते हैं, भोजन जो देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इनकी फीडिंग रेट जो है वो डिपेंड करती है किस पे, स्टेज पे ऑल्सो, यानी कि जैसे जैसे इनकी स्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है ज़्यादा फूड की आवश्यकता होगी, स्टार्टिंग में कम की आवश्यकता होती है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इनकी जो फीडिंग साइट है, यानी कि जो ग्रेनेज बनाए जाते हैं या जहाँ पे इनको पाला जाता है वहाँ पे आसपास में क्या होना चाहिए, मलबरी प्लांट होना चाहिए, कहने का मतलब बागान होना चाहिए, सहतूत का आसपास में बाग होना चाहिए, ताकि प्रॉपर क्या है बार बार हम वहाँ से लीफ को कट करके और इनको बार बार जो है खाने के लिए दे सके, ऐसी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए फिर बात करें फीडिंग की, तो लगभग दिन में इनको 4 या 5 बार फ्रेश लीव्स देनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि जो मलबरी प्लांट्स जो है, यानी कि इसका जो बाग है बगीचा है वो नज़दीक में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक सारणी दी गई है जिसमें ये दिया गया है कि कौन सी जो इंस्टार का लार्वा है उसको कैसी क्लाइमेट चाहिए, प्लस उसको कितना खाने के लिए हमें लीव्स प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो देखिए ये इंस्टार्स दिए हुए यहाँ पे, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट इंस्टार का जो लार्वा है उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 26-28 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए 26-28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए सबसे ज़्यादा। बाद में क्या होता है धीरे धीरे ये कम होता जाता है, जैसे देखिए थर्ड में 24-26 है, फिर 25-26, 23-25 डिग्री है ना। तो जैसे जैसे स्टार बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है।
प्लस ह्यूमिडिटी भी ऑल्सो क्या है कम होती जाती है। स्टार्टिंग में क्या होता है देखिए 85%, फिर 80, और फोर्थ और फिफ्थ स्टार के होते हैं उनमें 70% ह्यूमिडिटी आवश्यकता होती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए क्वांटिटी ऑफ लीव्स, यानी कि कितनी मात्रा में इनको फीड करने के लिए हमें लीव्स प्रोवाइड करवानी पड़ती है स्टेज के अकॉर्डिंग। तो देखिए फर्स्ट स्टार के लिए तो 2 से 3 किलोग्राम, और सेम 4 से 6 किलोग्राम किसके लिए, सेकेंड स्टार के लिए। इसके बाद बढ़ जाती है थर्ड स्टार के लिए 24 से 30, और फोर्थ और फिफ्थ स्टार जो होते हैं उनके लिए कम से कम 70 से 80 किलोग्राम लीफ जो है वो हमें इनको खाने के लिए देनी चाहिए। फिर देखिए साइज ऑफ लीफ की बात करें तो स्टार्टिंग के जो स्टार होते हैं उनमें क्या होता है कि क्योंकि माउथ पार्ट्स इतने वेल डेवलप्ड नहीं होते, तो उस कंडीशन में क्या है इनको बिल्कुल कोमल जो लीव्स होती है वो, प्लस उसके भी पार्ट्स जो होते हैं लीफ के वो काट के हमें क्या है इनको खाने के लिए देना चाहिए। जैसे देखिए साइज ऑफ लीफ की बात करें तो फर्स्ट स्टार के लिए 0.5 to 2 centimeter के पार्ट्स काट के देने चाहिए, सेकेंड के लिए 2 to 4, थर्ड के लिए 4 to 6 centimeter के जो है लीफ पार्ट्स हमें काट के इनको फीड के लिए प्रोवाइड करने चाहिए। इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ स्टार के जो लार्वा हैं उनको क्या करते हैं होल लीफ यानी कि पूरी पत्ती जो है वो खाने के लिए दी जाती है, पूरी की पूरी जो लीफ है वो खाने के लिए इनको देनी चाहिए फोर्थ और फिफ्थ स्टार के जो लार्वा है। अब देखिए नंबर ऑफ फीड पर डे यानी कि एक दिन में कितनी बार इनको भोजन देना चाहिए, तो देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टार को 4 times और फोर्थ और फिफ्थ को 5 times जो है इन्हें सिंगल डे हमें क्या है खाने के लिए इनको लीव्स या फूड प्रोवाइड करवाना पड़ता है। एक देखिए यहाँ पे जो एक सिल्कवर्म का लार्वा होता है यानी कि एक सिंगल जो लार्वा होता है वो क्या करता है अपने वजन का लगभग 4500 गुना यानी कि जितना उसका वेट है उससे 4500 गुना क्या करता है वो वेट की लीव्स को खा जाता है, यानी कि उसके वजन का लगभग 4500 गुना जो है वेट की लीव्स हमें क्या है उसको प्रोवाइड करवानी पड़ती है उसके लाइफ साइकिल के अंदर उसको खाने के लिए, ठीक है। तो इनकी फीड का प्रॉपर ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर देखिए क्लीनिंग ऑफ ट्रेज यानी कि जो रेयरिंग ट्रे है जिनके अंदर हम इनको पालते हैं, ठीक है, जो रेयरिंग ट्रेज हैं उनमें क्या करते हैं जैसे ही ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ उसके बाद क्या है इनकी प्रॉपर सैनिटेशन की जानी चाहिए। सैनिटेशन से मतलब क्या है यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि जो लीफ है लीफ के पार्ट्स होंगे कटे हुए वो भी इसके अंदर पड़े रहेंगे, प्लस क्या है जो एग्स के एग्जुवी है या इसके अलावा और भी जितने भी वेस्ट मटेरियल जो इसके अंदर बचे हुए हैं तो उन सबको क्या है हटा देना चाहिए। और प्लस क्या करते हैं कि इसके अंदर जो रेयरिंग ट्रे के अंदर हम नीचे की साइड जो पेपर लगाते हैं उस पेपर को भी हटा देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिल्क वर्म के अंदर कुछ डिजीज़ होते हैं जो कि क्या है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैल सकते हैं, इसलिए हर बार क्या करते हैं इनको हटा के और दोबारा से जो है नया पेपर लगा के इसको चेंज करना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट है कोकून फॉर्मेशन। कोकून फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक कोकून जब बनाते हैं, कोकून बनाना यानी कि सिल्कवर्म जो कोकून बनाता है उस टाइम क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो देखिए ये कोकून बनाने के लिए क्या करते हैं जो लास्ट स्टार का लार्वा होता है फिफ्थ स्टार का वही बनाएगा कोकून, यानी कि फोर्थ मोल्टिंग जब होती है, चौथी बार जब त्वचा का निर्मोचन होता है उसके बाद ये किस में आ जाएगा फिफ्थ स्टार में। इस समय क्या होता है ये जो लार्वा होता है ये सिल्कवर्म प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, जो है ये वर्म जो होता है क्या है सिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, रेशम का उत्पादन स्टार्ट करता है। इस दौरान क्या है इसमें बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं, जैसे एक तो सेलाइवरी ग्लैंड से होती है लार ग्रंथियां, सिल्क कौन से पार्ट से प्रोड्यूस करता है इंसेक्ट जो उसकी लार ग्रंथियां होती है वहां से प्रोड्यूस करता है उत्पन्न करता है, तो ये लार ग्रंथियां जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है इस कंडीशन में। प्लस क्या होता है इसका फोर्थ और फिफ्थ जो एब्डोमिनल का यानी कि उधर का भाग जो होता है वो दिखाई देने लगता है साफ जो कि पहले नहीं दिखता। तो ये सारे क्या है करेक्टर्स हैं कि हमें पता चलता है कि अब ये क्या करेगा सिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो उस दौरान क्या है हम इसको कहाँ पे ले जाते हैं जो कोकुनेज बनाए जाते हैं, कोकुनेज किसको बोलते हैं जहाँ पे इनका कोकून प्रोडक्शन की व्यवस्था की जाती है जो ट्रेज होती है कोकुनेज
ठीक है, तो उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। फिर वहाँ पे क्या है, इसको एक फिक्स प्रोवाइड क्या करते हैं हम, स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि क्या है प्रत्येक लार्वा जो है उसको प्रॉपर स्पेस मिल सके और अच्छी क्वालिटी का जो है हमें रेसा प्राप्त हो सके। तो देखिए सबसे पहले कि जो फुली डेवलप्ड लार्वा जो होता है, फुली ग्रोन जो लार्वा होता है, उसका साइज़ क्या हो जाएगा, 7.5 से 10 mm के आसपास। और इसकी सेलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है, अभी मैंने आपको बताई लार ग्रंथियां जिनको बोलते हैं, लार ग्रंथियां, ये क्या है फुली डेवलप्ड हो जाती है, पूरी तरह विकसित हो जाती है। इसके बाद ये क्या करता है, फीडिंग को स्टॉप कर देता है, यानी कि 5 से 7 दिन बाद, जैसे ही फोर्थ मोल्टिंग होगी, मैंने अभी आपको बताया कि चौथी बार जब त्वचा निर्मोचन होती है, मोल्टिंग किसको बोलते हैं, त्वचा निर्मोचन को, तो चौथी बार जब मोल्टिंग होती है उसके 5 से 7 दिन बाद ये क्या है फीडिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है, सॉरी स्टॉप कर देता है, फीडिंग स्टॉप कर देगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन कोकून को ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके अंदर, कोकूनेज के अंदर। मैंने भी आपको बताया कोकूनेज क्या होता है, वो जगह जहाँ पे क्या है इसको रख के कोकून के लिए प्रॉपर जो स्पेस प्रोवाइड करवाया जाता है उसको बोलते हैं कोकूनेज, ठीक है। अब देखिए इसका एक क्राइटेरिया है कि मान लीजिए कोई 1.8 से 1.2 मीटर साइज़ का कोकूनेज है, ठीक है, 1.8 से 1.2 मीटर साइज़ का कोकूनेज है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्रत्येक जो कोकून होता है, प्रत्येक जो लार्वा होता है, उसको हम कितना स्पेस देते हैं, 30 x 30 सेंटीमीटर का, यानी कि 30 x 30 सेंटीमीटर का हम स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं। और दो लार्वा के बीच क्या करते हैं हम, लगभग 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या रखते हैं, गैप रखते हैं। ये गैप क्यों रखा जाता है, देखिए मान लीजिए एक कोकून, एक लार्वा यहाँ पे कोकून बना रहा है, दूसरा लार्वा यहाँ पे कोकून बना रहा है, तो अगर आप इनके बीच में गैप नहीं रखोगे, ठीक है, गैप नहीं रखोगे तो क्या होगा कि ये एक इसके जो रेसे हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, इनको बोलते हैं ड्यूपिन्स, इनको ड्यूपिन्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो रेसा होता है, इन जो कोकून से हमें जो रेसा प्राप्त होगा वो क्या है, ना तो अच्छी क्वालिटी का होता है, प्लस क्या होता है ये मिक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या है इनको काट के अलग करना पड़ता है, जिसके बाद ये किसी काम के नहीं रहते। इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कि दो कोकून के बीच में प्रॉपर हमें स्पेस रखना चाहिए। इसके बाद देखिए फिर क्या करते हैं कि अब बात करते हैं इसके कोकून की, है ना, तो लगभग 1000 कोकून्स जो हैं, अगर इसकी बात करें कि ये साइज़ का अगर मान लीजिए कोई कोकून जाए, तो उसमें लगभग 1000 कोकून्स हम तैयार कर सकते हैं एक कोकूनेज के अंदर। अब देखिए फिर टेम्परेचर की बात करें तो इसके लिए कोकून बनते समय लगभग 24 डिग्री तापमान और 60 से 70% जो है ह्यूमिडिटी हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ताकि अच्छी क्वालिटी का जो है रेसा बन सके। और वेंटिलेशन यानी कि हवा का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी वहाँ पे क्या है अच्छी क्वालिटी का रेसा बनेगा। नहीं तो ये लास्ट वाली जो सिचुएशन होती है ये डिपेंड करती है कि जो कोकून बनेगा वो किस क्वालिटी का बनेगा, ठीक है। फिर देखिए स्पाइनिंग, स्पाइनिंग का मतलब क्या होता है, बुनना, बुनना है ना, यानी कि जो धागे बुने जाते हैं इनके द्वारा, जो लार्वा है उनके द्वारा तो धागे बुने जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्पाइनिंग। अब देखिए क्या करते हैं, धागे कैसे बुनते हैं कि मान लीजिए ये लार्वा है 5th instar का, एक ये लार्वा है, ये क्या करेंगे अपनी बाहर से अंदर की ओर, सबसे पहले ये क्या करते हैं अपनी जो सिल्क ग्लैंड्स होती है, यानी कि जो लार ग्रंथियाँ होती है, वहाँ से जब ये सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं एक पॉइंट पे जो ट्रे हम रखते हैं उसके अंदर एक पेपर जो रखते हैं, इस पेपर के ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से एक जगह पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो है ग्लैंड से थोड़ा सा सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, इससे क्या होगा बाकी जो कोकून होता है वो इस जगह से चिपका हुआ रहता है, ये जल्दी क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। फिर इसी जगह पे रह के ये क्या है स्पाइन करते हैं, यानी कि धागा बुनना स्टार्ट करते हैं। ये लार्वा जो होता है ये क्या है बाहर से अंदर की साइड, यानी कि सबसे पहला जो थ्रेड होगा वो बाहर से बनाना स्टार्ट करेगा, फिर इस प्रकार अंदर ही अंदर ये क्या है धागे को बुनते रहते हैं। ऐसा ही इसमें होगा, बाहर से स्टार्ट करेगा और अंदर ही अंदर जो है ये इसको बुनता रहता है। और कभी भी इनको मिक्स नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो ये क्या कहलाते हैं, ड्यूपिन्स कहलाते हैं, यानी कि इनसे जो धागा बनेगा वो हमारे काम का नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए जो स्पाइनिंग जो होती है रेट, है ना,
वो होती है इनमें लगभग 15 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर ये जो है सिल्क वर्म लगभग 15 सेंटीमीटर धागा जो है वो बना देता है एक मिनट के अंदर। फिर देखिए कोकून की अगर बात करें तो कोकून आपको कैसा दिखाई देगा, 38 mm उसकी लगभग लेंथ होती है और 13 mm विड्थ होती है, यानी कि 38 mm तो लगभग उसकी लंबाई होगी और 13 mm चौड़ाई होगी। एग शेप्ड होता है, वाइट या फिर क्या है येलो कलर का दिखाई देता है एंड मेड अप ऑफ सिंगल थ्रेड, यानी कि एक सिंगल धागे से बनाया जाता है, यानी कि इसका जो पूरी जो लेंथ होती है उसके बीच में कहीं भी क्या होता है कोई भी जॉइंट नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी दो को मिक्स नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो वो कट जाते हैं और फिर बाद में उनमें हमें जॉइंट डालना पड़ता है। लगभग एक जो कोकून होता है उसके ऊपर क्या होता है 500 से 1000 mm की लेंथ का क्या होता है धागा होता है, ठीक है। अब देखिए 25,000 लगभग हमें कोकून की आवश्यकता पड़ती है अगर आपको 400 ग्राम सिल्क प्रोड्यूस करना है, यानी कि अगर आपको 400 ग्राम रेशम प्राप्त करना है तो उसके लिए कम से कम हमें क्या है 25,000 कोकून्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो होगी इसकी स्पाइनिंग की बात। अब देखिए इसकी हार्वेस्टिंग और स्टिफिंग की बात करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो कोकुनेज जो होता है, ये क्या है कोकुनेज, तो इस कोकुनेज से कोकून को हटाना, यहाँ से इसको अलग करना क्या कहलाता है हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग के बाद सेकेंड टर्म में देखिए स्टिफिंग या स्टिफलिंग बोलते हैं इसको, स्टिफलिंग किसको बोलते हैं कि ये जो इसके अंदर जो प्यूपल स्टेज होती है, क्योंकि प्यूपा ही तो होता है उस कोकून के अंदर, तो इस प्यूपा को किल करना, इस प्यूपा को मारना क्या कहलाता है स्टिफलिंग कहलाता है। ये कैसे किया जाता है कि जब ये जो कोकून बनाते हैं तो कोकून बनने के लगभग 10 दिन बाद, कितने दिन बाद 10 days, 10 दिन बाद हम क्या करते हैं इसको गर्म पानी के अंदर, हॉट वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर हम क्या करते हैं इसको उबालते हैं, जिससे क्या होता है इसके अंदर का जो प्यूपा होता है वो मर जाता है और फिर बाद में क्या है ये जो धागा होता है इसके ऊपर का उसको अलग कर लिया जाता है। अगर आप इसे किल नहीं करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए ये कोकून है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे लार्वा है, तो अगर हम इसको नहीं काटेंगे यानी कि इसको अगर आप किल नहीं करोगे तो ये क्या करेगा कुछ समय बाद यहाँ से इस प्रकार से इसको काट देगा और काट के एक एडल्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा और इसमें कटने के बाद क्या है ये जो धागा बचता है ये ख़राब हो जाता है और ये स्पाइनिंग के काम में नहीं आता है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि एग्जैक्ट जो लगभग 10 दिन के बाद क्या करते हैं हम इसको किल करके और जो धागा है उसको अलग कर लेते हैं। फिर देखिए ब्रशिंग टर्म आ गई दोबारा, इसका मतलब क्या है यानी कि ये जो हमने कोकून अलग किए हैं इसको क्या करते हैं अच्छी प्रकार से सैनिटेशन, हम इसकी सफाई करते हैं, यानी कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई वेस्ट मटेरियल चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या है जब इससे धागा अलग करते हैं उस समय क्या होती है परेशानी आती है, तो ब्रश की सहायता से इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। उसके बाद देखिए रेलिंग, रेलिंग क्या होता है, रेलिंग होता है धागा अलग करना, यानी कि धागा जो इस कोकून के ऊपर जो धागा बना हुआ है उसको अलग करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं रेलिंग बोलते हैं। रेलिंग कैसे की जाती है, देखिए सबसे पहले उस कोकून को हम क्या करेंगे वाटर के अंदर, वाटर में डालेंगे, ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं जो धोने का सोडा आता है ना कपड़े धोने का, उसके अंदर क्या करते हैं इसको उबालते हैं, इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी अशुद्धियाँ हैं वो अलग हो जाएगी। अशुद्धियाँ निकलने के बाद इसको वापस से फिर क्या करते हैं हम वाटर के अंदर डालते हैं, पानी के अंदर डालते हैं और फिर अच्छे से इसको साफ़ कर लेते हैं। अब क्या होगा इसको पानी में डालने के बाद ये क्या है पानी के ऊपर इस प्रकार से तैरते रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए चार कोकून है तो इस प्रकार तैरते रहते हैं। अब क्या करते हैं इसके बाहर वाला सिरा जो होता है इसको, मतलब इसको जो करने का पर्पज़ क्या होता है कि जब हम इसको साफ़ सफाई करेंगे तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाते हैं और एक सिंगल जो है थ्रेड बचते हैं, इन धागों को एक एक करके अलग कर लेते हैं और फिर इनको एक साथ मिक्स करके किसी लकड़ी के ऊपर एक चरखी की सहायता से इसको पलट लेते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद क्या होगा इसको बोलते हैं रो सिल्क बोलते हैं, कच्चा सिल्क जिसको बोलते हैं।
फिर इसको बाद में क्या है, दोबारा बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उनके साथ मिला के इसको उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है ये पक के क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो है प्रॉपर जो है सिल्क हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए थ्रोइंग, थ्रोइंग का मतलब क्या होता है कि ये जो धागा हमने लिया है इसको अलग किया है, इसको कलर देना, ठीक है, प्लस क्या है इसको बुनना, ये सब किसके अंदर आता है, थ्रोइंग के अंदर। फिर देखिए आता है वेविंग, ठीक है, वेविंग में हम क्या करते हैं, अगर इसको कोई शेप देनी है या मान लीजिए इसको किस काम में लेना है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसको अलग अलग पर्पज़ से हम कलेक्ट करते हैं, वेविंग भी बुनना ही होता है। ठीक है, इसके बाद स्पन सिल्क, स्पन सिल्क किसको बोलते हैं कि रीलिंग के बाद, रीलिंग के बाद मान लीजिए बहुत सारे क्या होते हैं थ्रेड्स होते हैं धागे जिनके टुकड़े रह जाते हैं, तो ऐसे टुकड़ों को हम क्या करते हैं, ये जो टुकड़े होते हैं इनको एक साथ मिक्स करके इनको दोबारा से तैयार करके हम क्या करते हैं, सिल्क बना लेते हैं, कच्चा सिल्क, जिसको किसी और पर्पज़ में, या बात करें ग्रेडिंग की जब बात करें तो लो ग्रेड का सिल्क जो है वो इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फिर है डिसइन्फेक्शन, डिसइन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको निर्जीवीकृत करना, यानी कि इसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं या अदर जितने भी क्या हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं उनको अलग करना क्या कहलाता है, डिसइन्फेक्शन। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो 5% ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका स्प्रे करते हैं, जो इनका रेयरिंग हाउस जो होता है जहाँ पे रख के इनको पालते हैं वहाँ पे, और उसके बाद क्या करते हैं ऑल दी वेस्ट मटेरियल, जितना भी क्या है कचरा बचा हुआ है वेस्ट मटेरियल है उस सबको क्या करते हैं, जला देते हैं। फिर देखिए वॉश ऑल दी अप्लायंसेस, अप्लायंसेस का मतलब क्या होता है, जितने भी औजार या सामग्री काम में आती है इस प्रोसेस के दौरान उसको बोलते हैं, तो जितने भी औजार काम में आ रहे हैं ऑफ रेयरिंग यानी कि पालने के लिए उनको डिटर्जेंट के साथ, और उसके बाद 2% ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसके अंदर इनको डिप करके रखते हैं लगभग 10 मिनट के लिए। फिर इसको दोबारा से क्या करते हैं, अब जो रेयरिंग हाउस जो होता है उसको डिसइनफेक्ट किया जाता है, सेम प्रोसेस होता है 2% ब्लीचिंग पाउडर से, और 0.3% क्या होता है स्लैग लाइम, स्लैग लाइम किसको बोलते हैं, जो बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ जो चूना होता है उसको बोलते हैं, यानी कि 2% ब्लीचिंग पाउडर के बाद इसको 0.3% क्या है जो भुजा हुआ चूना है उसके अंदर मिक्स करते हैं, या फिर 2% फॉर्मेलिन और उसके साथ 0.05% डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसके साथ क्या करते हैं, इसको डिसइनफेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि अगर मान लीजिए कोई डिजीज़ है, क्योंकि सिल्कवर्म के अंदर क्या है कई बार बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, ग्रेसरी डिजीज़ हो गया जैसे, है ना, तो ये क्या है आगे फैलते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर वहाँ पर कोई डिजीज़ है पहले जो क्रॉप हमने ली है उसके अंदर, तो क्या करते हैं इनको ट्रीट करते हैं रेयरिंग हाउस को और जितने भी औजार हैं अप्लायंसेस को 0.3% उसी बुझे हुए चूने के साथ, और 2 लीटर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका स्प्रे भी करते हैं, और उसके बाद क्या है इनको धूप में सुखा देते हैं लगभग 1 से 2 घंटे के लिए, सन ड्राइंग करते हैं, धूप में सुखाया जाता है इनको। फिर रेयरिंग हाउस को डिसइनफेक्ट किया जाता है, अप्लायंसेस को भी सेकेंड टाइम दोबारा से, एक बार तो हमने कर दिया उसके बाद दोबारा से, और उस रूम को बंद कर देते हैं लगभग 24 घंटों के लिए, यानी कि एक बार उसको अच्छे से ट्रीट करने के बाद उसको बंद कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं। उसके बाद फिर देखिए लास्ट है कि जो डस्टिंग की जाती है, एंट्रेंस जो होते हैं यानी कि जहाँ से एंट्री होती है रूम के, गेट वगैरह हो गए जो, या उसके पासेस है खिड़कियाँ वगैरह जो है, या आसपास की जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे क्या करते हैं इसको डस्टिंग की जाती है, किसके साथ, किसके साथ, 5% ब्लीचिंग पाउडर के साथ इन स्लेक लाइम यानी कि वही जो बुझा हुआ चूना है उसके साथ 5% जो है ब्लीचिंग पाउडर मिला के 200 ग्राम पर मीटर के हिसाब से हम क्या करते हैं उसको डस्टिंग करते हैं, ताकि इसके अंदर जितने भी जो क्या है जीवाणु वगैरह है उनको ख़त्म किया जा सके। ओके, तो ये सब थी इसकी प्रोसेस रेयरिंग की, कैसे इसको पालते हैं, कैसे रीलिंग की जाती है, इन सब के बारे में अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे सिल्कवर्म के जितने भी डिजीज़ वगैरह हैं उनके बारे में। ओके, थैंक यू।